हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि एक एथलीट रेस फिनिश होने के बाद तेजी से सांस क्यों लेता है और गहरी सांस क्यों लेता है। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग रेस एन एथलीट नीड्स मोर एनर्जी, यानी कि रेस के दौरान एथलीट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। टू रिलीज एनर्जी मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, और एनर्जी रिलीज करने के लिए मसल्स को और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो टू टेक मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एन एथलीट ब्रीथ्स फास्टर एंड डीपर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ज्यादा ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने के लिए एथलीट्स तेजी से सांस लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं। और जब एथलीट तेजी से सांस लेते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलैरिटीज भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलैरिटीज देखते हैं। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी है एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी के एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड सिमिलैरिटी है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, यानी के एरोबिक रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस देखेंगे। हमने यहां पर आपको 5 डिफरेंस बताए हैं स्टूडेंट्स, आप इनमें से जो भी डिफरेंस यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी के एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बॉडी में जो खाना टूटता है वो ऑक्सीजन की वजह से टूटता है, यानी ऑक्सीजन की मदद से टूटता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में बॉडी में जो खाना टूटता है वो ऑक्सीजन के बिना टूटता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि बॉडी में खाने का टूटना और ऑक्सीजन का रिलीज होना, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी के एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन यीस्ट बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स, यानी के एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है और ह्यूमन मसल्स में होता है। इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होने के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर एज इन ह्यूमन मसल्स इट्स एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड।
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब यीस्ट और बैक्टीरिया में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होने के अलावा इनमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं, जबकि ह्यूमन मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होने के अलावा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप MOS क्लास 7 साइंस की इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो में हमने बहुत आसान तरीके से और डिटेल में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट रिडन एयर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब हमारे अंदर मिट्टी से भरी हवा जाती है तो हमें छींक क्यों आती है। तो इसका आंसर है, व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट रिडन एयर, डस्ट पार्टिकल्स कॉज इरिटेशन इन द नेसल कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब हम सांस लेते हैं और हमारे अंदर डस्ट यानी मिट्टी से भरी हवा जाती है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं यानी जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी वजह से हमारी नेसल कैविटी में यानी हमारे नाक में जो खाली जगह होती है उसमें इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से हमें छींक आती है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया, स्टूडेंट्स टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वॉटर। यानी कि तीनों टेस्ट ट्यूब के 3/4 पार्ट को आपने पानी से भरना है। लेबल देम ए बी एंड सी, और उसके बाद इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को आप नाम देंगे ए बी एंड सी। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, आपको टेस्ट ट्यूब ए में एक स्नेल को रखना है। अ वॉटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब बी में आपको एक वाटर प्लांट को रखना है। एंड इन सी कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ, और टेस्ट ट्यूब सी में एक स्नेल और एक प्लांट दोनों को रखना है। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि किस टेस्ट ट्यूब में CO2 की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, यानी कि किस टेस्ट ट्यूब में CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ CO2, यानी कि टेस्ट ट्यूब ए में CO2 की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज बिकॉज टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स स्नेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में एक स्नेल को रखा गया है। स्नेल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि स्नेल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन अंदर की तरफ खींचता है अपने शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ता है, जैसे कि सभी एनिमल्स करते हैं। हेंस CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज इन टेस्ट ट्यूब ए, इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि टेस्ट ट्यूब ए में एक स्नेल को रखा गया है और स्नेल जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ खींचता है और जब सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ता है। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो कार्बन डाइऑक्साइड स्नेल के द्वारा छोड़ी जाएगी उसको यूज करने वाला तो कोई उस टेस्ट ट्यूब में है नहीं, इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा। टेस्ट ट्यूब बी कंटेन्स अ वॉटर प्लांट, यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में एक वॉटर प्लांट को रखा गया है, विच टेक्स इन CO2 फॉर फूड सिंथेसिस एंड गिव्स O2। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स
के टेस्ट ट्यूब बी में एक वाटर प्लांट को रखा गया है, और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स CO2 अंदर की तरफ खींचते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ खींचते हैं फूड सिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए, एंड गिव्स O2, और ऑक्सीजन को बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हेंस मोर O2 कंसेंट्रेशन इज फाउंड इन टेस्ट ट्यूब बी। इसी वजह से टेस्ट ट्यूब बी में O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि टेस्ट ट्यूब सी में क्या होगा। टेस्ट ट्यूब सी कंटेन्स बोथ अ स्नेल एंड अ वाटर प्लांट, यानी कि टेस्ट ट्यूब सी में एक स्नेल भी है और एक वाटर प्लांट भी है। द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द स्नेल इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स फूड सिंथेसिस, एंड द O2 इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इज यूज्ड बाय द स्नेल फॉर रेस्पिरेशन। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि स्नेल जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा वो प्लांट के द्वारा यूज कर ली जाएगी फूड सिंथेसिस के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए। और जब प्लांट्स फूड सिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो इस प्रोसेस में वो O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर स्नेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली CO2 यूज की जा रही है प्लांट के द्वारा फूड बनाने के लिए, तो टेस्ट ट्यूब सी में भी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा नहीं होगी। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि टेस्ट ट्यूब ए में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स टिक द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हर पार्ट में हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें उन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ए पार्ट में हमसे कहा गया है इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, और इसके लिए चार ऑप्शंस है लंग्स, गिल्स, स्पायरेकल्स एंड स्किन। यानी कि कॉकरोचेज में बॉडी में जो एयर एंटर करती है वो किसके थ्रू एंटर करती है, लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, स्पायरेकल्स के थ्रू या स्किन के थ्रू। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कॉकरोच की बॉडी पे स्मॉल पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन्हीं स्मॉल पोर्स के थ्रू कॉकरोच की बॉडी में एयर एंटर करती है, और इन स्मॉल पोर्स को हम स्पायरेकल्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन रहेगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि स्पायरेकल्स। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे थर्ड ऑप्शन स्पायरेकल्स। बी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल और वाटर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कि टांगों में खिंचाव आ जाता है, दर्द होने लगता है। ये किस वजह से होता है, यानी कि लेग्स में हैवी एक्सरसाइज करते वक्त ऐसा क्या बनता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं? क्या ये क्रैम्प्स कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आते हैं, या लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से आते हैं, या एल्कोहल बनने की वजह से आते हैं, या वाटर बनने की वजह से आते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इस ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी जो मसल्स होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करते समय हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि लैक्टिक एसिड। सी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं 9 to 12, 15 to 18, 21 to 24 एंड 30 to 33। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि एक एवरेज एडल्ट पर्सन में रेस्ट करते समय नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट कितना होता है। क्या वो 1 मिनट में 9 से 12 बार ब्रीथ करता है, 15 से 18 बार ब्रीथ करता है, 21 से 24 बार ब्रीथ करता है, या 30 से 33 बार ब्रीथ करता है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रेस्ट करते समय जो ब्रीदिंग रेट पर मिनट होता है वो 15 to 18 होता है, यानी कि रेस्ट करते समय हम लगभग 15 से 18 बार ब्रीथ करते हैं। अब हम डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन द रिप्स, और फर्स्ट ऑप्शन है मूव आउटवर्ड्स, सेकेंड ऑप्शन है मूव डाउनवर्ड्स, और थर्ड ऑप्शन है मूव अपवर्ड्स, और फोर्थ ऑप्शन है डू नॉट मूव एट ऑल।
इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब हम एक्सलेशन करते हैं यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी में जो रिब्स होती हैं क्या वो बाहर की तरफ मूव करती हैं या वो नीचे की तरफ मूव करती हैं या ये रिब्स ऊपर की तरफ मूव करती हैं या ये रिब्स मूव करते ही नहीं हैं। तो इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन यानी कि मूव डाउनवर्ड्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम एक्सलेशन करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो हमारे रिब्स नीचे की तरफ मूव करती है यानी कि मूव डाउनवर्ड्स। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स मैच द आइटम्स इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें कॉलम वन में भी कुछ आइटम्स दिए गए हैं और कॉलम टू में भी कुछ आइटम्स दिए गए हैं। हमें कॉलम वन के आइटम्स को कॉलम टू के आइटम से मैच करना है। तो कॉलम वन में हमें दिया गया है यीस्ट, डायफ्राम, स्किन, लीव्स, फिश एंड फ्रॉग, और कॉलम टू में हमें दिया गया है अर्थवॉर्म, गिल्स, एल्कोहल, चेस्ट कैविटी, स्टोमेटा, लंग्स एंड स्किन एंड ट्रैकी। यीस्ट के लिए सही आंसर है स्टूडेंट्स एल्कोहल, क्योंकि यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और जब यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो यीस्ट के लिए सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थ्री एल्कोहल। डायफ्राम के लिए सही ऑप्शन है चेस्ट कैविटी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब डायफ्राम में अप एंड डाउन मूवमेंट होती है तो हमारी चेस्ट कैविटी में चेंज आता है। तो डायफ्राम के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन फोर चेस्ट कैविटी। स्किन के लिए सही ऑप्शन है अर्थवॉर्म, क्योंकि अर्थवॉर्म अपनी स्किन से ही ब्रीदिंग करते हैं यानी कि अर्थवॉर्म अपनी स्किन से ही ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं और अपनी स्किन से ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। लीव्स के लिए सही ऑप्शन है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेज एक्सचेंज होती हैं, यानी कि लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेज अंदर और बाहर जाती हैं। फिश के लिए सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स गिल्स, क्योंकि फिश में गिल्स के थ्रू ही गैसेज एक्सचेंज होती हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब फिश अपने मुंह से पानी को अंदर की तरफ खींचती है तो ये पानी गिल्स के ऊपर से फ्लो होता है, और जब ये पानी गिल्स के ऊपर से फ्लो होता है तो गिल्स इस पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं और फिश की बॉडी में सभी सेल्स तक पहुंचाते हैं। फ्रॉग के लिए सही ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स लंग्स एंड स्किन, यानी कि फ्रॉग लंग्स और स्किन दोनों से ही सांस ले सकते हैं और दोनों से ही सांस छोड़ भी सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स और हमें चेक करके बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन, यानी कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ज्यादा एनर्जी क्रिएट करने के लिए। तो हैवी एक्सरसाइज करते वक्त आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो इंक्रीज होता है यानी फास्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर तो ये लिखा हुआ है कि हैवी एक्सरसाइज करते वक्त ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि प्लांट्स में दिन के समय सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है और रात के समय सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि गलत है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। देखिए इस स्टेटमेंट में यहां पर जो लिखा गया है कि नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, इस स्टेटमेंट का ये वाला पार्ट तो करेक्ट है कि रात के समय प्लांट्स में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ये वाला पार्ट यहां पर गलत है कि दिन के समय सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स प्लांट्स में रेस्पिरेशन दिन के समय भी होता है और रात के समय भी होता है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है कि दिन के समय सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, इस पार्ट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि प्लांट्स में दिन के समय फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन भी होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू दियर स्किन्स एज वेल एज दियर लंग्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू, क्योंकि फ्रॉग्स अपनी स्किन और अपने लंग्स दोनों से ही ब्रीदिंग कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि फिश में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि फिश में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं ना कि लंग्स। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं, तो हमारी चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब आप इनहेलेशन करते हैं यानी कि सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है, और जब आप एक्सहेलेशन करते हैं यानी कि सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है यानी कि कम हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। गिवन बिलो इज अ स्क्वायर ऑफ लेटर्स इन विच आर हिडन डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमें एक स्क्वायर दिया गया है जिसमें कुछ लेटर्स हैं और उन लेटर्स में अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं। दीज वर्ड्स मे बी प्रेजेंट इन एनी डायरेक्शन अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स और अलोंग द डायगनल्स, यानी कि ये वर्ड्स आपको नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में या डायगनल्स की डायरेक्शन में, यानी कि तिरछे भी लिखे हुए मिल सकते हैं। फाइंड द वर्ड्स फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हमें इस स्क्वायर बॉक्स में से रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड वर्ड्स को ढूंढना है। क्लूज अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो द स्क्वायर, और जिन वर्ड्स को हमें इस स्क्वायर बॉक्स में ढूंढना है उनसे रिलेटेड कुछ क्लूज हमें स्क्वायर बॉक्स के नीचे दिए गए हैं। तो पहला क्लू है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स के अंदर जो एयर ट्यूब्स होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ट्रेकिया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सिंगल एयर ट्यूब को हम ट्रेकिया कहते हैं, और प्लूरल में जब हम ट्रेकिया को बोलते हैं यानी एक से ज्यादा एयर ट्यूब्स की बात करते हैं तो उस केस में हम इसे ट्रेकी कहते हैं, यहाँ पर ई और लग जाता है, लेकिन इस टेबल में हमें जो नाम दिया गया है वो ट्रेकिया है। देखिए टी आर ए सी एच ई ए, तो यहाँ पर एयर ट्यूब का नाम हम क्या लेंगे, ट्रेकिया, और वो ट्रेकिया हमें यहां से यहां तक मिलेगा। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है स्केलेटल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, यानी हमारी चेस्ट कैविटी में जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिब्स, और रिब्स यहां पर आपको देखिए यहां पर मिलेगा आर आई बी एस। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, यानी कि चेस्ट कैविटी के मस्कुलर फ्लोर को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है डायफ्राम। देखिए यहां पर डायफ्राम नीचे से ऊपर की तरफ दिया हुआ है, डी आई ए पी एच आर ए जी एम। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, यानी पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे पोर यानी छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इसका आंसर है स्टूडेंट्स स्टोमेटा, यानी कि लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और यहां पर स्टोमेटा देखिए आपको यहां से यहां दिया गया है, एस टी ओ एम ए टी ए। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट की बॉडी पे साइड में जो ओपनिंग्स यानी जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है स्पाइरेकल्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स इंसेक्ट की बॉडी पे जो छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे पोर होते हैं, उन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, और यहां पर आपको देखिए ये स्पाइरेकल्स यहां पर दिया गया है, एस पी आई आर ए सी एल ई एस। सिक्स पार्ट में हमें दिया गया है द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है लंग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स को हम लंग्स कहते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर ये लंग्स दिया गया है एल यू एन जी एस। सेवेंथ पार्ट में हमसे कहा गया है
द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल, यानी कि वो जो छेद होते हैं जिनसे कि हम सांस लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है नोस्ट्रिल्स। आपके नाक में जो दो छेद होते हैं स्टूडेंट्स, जहां से आप सांस लेते हैं, उन्हें हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ये नोस्ट्रिल्स दिया गया है, NOSTRILS। एट्थ पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी हमें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इसका सही आंसर है यीस्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमें यीस्ट दिया गया है, YEAST। नाइन्थ पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रेकियल सिस्टम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इंसेक्ट्स के अंदर एयर ट्यूब्स का एक सिस्टम होता है जिसे हम ट्रैकियल सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा एंट, यानी कि जो चींटी होती है वो भी एक इंसेक्ट है और उसमें भी ट्रैकियल सिस्टम होता है, यानी एयर ट्यूब्स का एक सिस्टम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट दिया गया है, ANT, एंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो माउंटेनियर्स होते हैं यानी पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग, ये अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं, यानी कि ये अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं पहाड़ों पर। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन में हमें दिया गया है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर, यानी कि जब आप 5 किलोमीटर से ज्यादा हाइट पर ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर हवा नहीं होती है। बी ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वहां पर हवा की मात्रा कम होती है, किसके कंपैरिजन में? ग्राउंड के कंपैरिजन में। सी ऑप्शन है द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, यानी जब आप हाइट पर जाते हैं, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां पर हवा का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है ग्राउंड के कंपेरिजन में। और डी ऑप्शन है द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब आप हाइट पर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो वहां पर हवा का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है ग्राउंड के कंपैरिजन में। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? सही ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं, आप हाइट पर जाते हैं, तो वहां पर हवा की जो मात्रा होती है वो कम होती है ग्राउंड के कंपैरिजन में। यही रीजन है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, ये अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं जब ये पहाड़ों पर चढ़ते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर, हाइट पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।